हेलो स्टूडेंट्स, आरआईएस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। इस वीडियो में हम क्लास 7 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट का वीडियो हम बना चुके हैं, तो फर्स्ट पार्ट में हमने पैरासाइट तक कर लिया था, जो कस्क्यूटा है यानी अमर बेल है, ये एक पैरासाइट होता है। अब हम आगे देखेंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स ऐसा नहीं है कि जो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो अपना फूड खुद ही बना के लेते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है पिचर प्लांट। इस प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं लाइक अ पिचर, मतलब घड़े या जग की शेप में डेवलप हो जाती हैं, और इसका जो माउथ होता है यहाँ पर हेयर्स होते हैं और यहाँ पर एक लिड होता है, ढक्कन होता है। जब भी कोई इंसेक्ट आकर यहाँ बैठता है तो वो ये जो हेयर्स होते हैं, स्टिकी हेयर्स होते हैं, इनमें फंस जाता है और ये लिड बंद हो जाता है। उसके बाद इसमें डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, जैसे कि हमारे स्टोमक में निकलते हैं, और वो उन डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से जो इंसेक्ट होता है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है और उसके न्यूट्रिएंट्स ले लिए जाते हैं। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, यानी जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, दीज आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि इस प्लांट की जो लीव्स हैं ये ग्रीन है, इट्स मीन्स इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनमें तो बेसिकली ये अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फिर इनको इंसेक्ट्स को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, इंसेक्ट्स से अपना न्यूट्रिशंस लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर हो सकता है कि यहाँ पर जो सॉइल है उस सॉइल से इस प्लांट को अपना जो न्यूट्रिशन है वो पूरा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये अदर प्लांट्स अदर एनिमल्स को डाइजेस्ट करके और अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। आगे हम बात करेंगे सेप्रोट्रोफ्स। सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? आपने मशरूम्स देखे होंगे, मार्केट में मशरूम के पैकेट्स मिलते हैं और इनका इनकी सब्जी भी बनती है, और कई जगह आपने इसको जनरली डेड और डिकेइंग जो सब्सटेंसेस हैं वहाँ पर भी इसको उगते हुए देखा होगा। तो ये मशरूम्स बेसिकली होते क्या हैं, इसके लिए एग्जांपल्स के लिए हम समझेंगे। अगर हम ब्रेड, एक्टिविटी 1.2 में बताया गया है, अगर हम ब्रेड जो है उसको किसी भी मॉइस्ट और हॉट प्लेस पर रख दें, वार्म प्लेस पर रख दें, तो 2-3 दिन के बाद देखते हैं कि हम उसके ऊपर एक कॉटन लाइक थ्रेड, मतलब कॉटन जैसी कुछ स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है जिसको हम फंगस बोलते हैं, फंगस या फंगई बोलते हैं जिसको हम। ये जो फंगस है ये भी एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, और ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, ये उसी ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन लेता है। सिमिलरली जो मशरूम्स हैं, ये मशरूम भी डेड और डिकिंग जो सब्सटेंस हैं, यानी कि जो सब्सटेंस खराब हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, उनसे ही अपना न्यूट्रिशंस लेता है। तो आपके पास मशरूम और फंगई, ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए जो डेड और डिकिंग मैटर से अपना न्यूट्रिशंस ले रहे हैं। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। आपने देखा होगा फंगई जो है वो पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स और बहुत सारे आर्टिकल्स पर डेवलप हो जाता है, और ये रेनी सीजन में बहुत सारी चीजों को खराब भी कर देता है। अब बात आती है कि ये फंगस आता कहां से है। ये जो फंगई या फंगस होता है, ये फंगल स्पोर्स जो होते हैं ये बेसिकली एयर में प्रेजेंट होते हैं, और जब भी ये किसी वेट और वार्म थिंग पर लैंड करते हैं तो ये वहां जर्मिनेट कर देते हैं और ये फंगस को डेवलप कर देते हैं, ग्रो कर जाता है फंगस। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस बेसिकली एक रिलेशनशिप है, ये एक रिलेशनशिप है जब कोई दो ऑर्गेनिज्म शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। जब शेल्टर और न्यूट्रिशंस को शेयर करते हैं दो ऑर्गेनिज्म, तो इस रिलेशंस को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस।
जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, फंगई है जो प्लांट्स की रूट में रहता है, फंगई जो है वो प्लांट की रूट्स में रहता है, जो प्लांट प्लांट जो है वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, और रिटर्न में जो फंगस है वो वाटर और कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड कराता है। ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो लिचेंस होते हैं, ये एक तरह की एल्गी है, एल्गा है जो जिसमें क्लोरोफिल होता है, यानी कि अपना फूड खुद बना सकता है, और जो फंगस है ये दोनों एक साथ रहते हैं। अब जो फंगस है वो शेल्टर और वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कराता है एल्गे को, और इन रिटर्न इसके रिटर्न में जो एल्गे होता है वो क्या करता है, वो फूड प्रोवाइड कराता है फंगस को। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज ऑल्सो ए सिम्बायसिस रिलेशनशिप। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी हो जाती है वो दोबारा से कैसे पूरी की जा सकती है, रिप्लेनिश्ड मतलब दोबारा से सॉइल को कैसे रिच किया जा सकता है। आपको पता है कि जब भी हम क्रॉप्स को सॉइल में उगाते हैं तो जो क्रॉप्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती हैं अपने ग्रो के लिए फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसके लिए जो फार्मर्स हैं वो मैन्योर या फर्टिलाइजर्स डालते हैं फील्ड में, जिससे कि जो सॉइल है वो दोबारा से न्यूट्रिएंट्स में रिच हो जाती है। जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं इनमें बेसिकली नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये इस तरह के कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, तो इससे दोबारा से सॉइल रिच हो जाती है। अच्छा, एक दूसरा तरीका भी है, जो क्रॉप्स होती हैं कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो नाइट्रोजन को ज़्यादा यूज करती हैं, और जिस सॉइल में इस तरह की क्रॉप्स या इस तरह के प्लांट्स होते हैं तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन में डेफिशिएंट हो जाती है, यानी कि वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है और जिसको कि प्लांट्स नहीं ले सकते, गैसियस फॉर्म में है तो प्लांट्स उसको यूज नहीं कर सकते, तो जो राइजोबियम है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट करता है इस फॉर्म में, जिससे कि प्लांट्स उसको ले सके और सॉइल में उसको प्रोवाइड कराता है जिससे कि प्लांट्स उसको यूज कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो राइजोबियम है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो इसलिए चना, मटर, मूंग, बीन्स, इस तरह के जो लेग्यूम्स वाले प्लांट्स होते हैं इनको लेग्यूम्स बोलते हैं, तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स है, रूट्स में जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उनकी रूट्स के साथ रहता है। जो प्लांट है वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराता है बैक्टीरिया को, और जबकि जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। सो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है दिस इज ऑल्सो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा, जहाँ जो इस तरीके से क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनमें ऐसे फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को कम डालने पड़ते हैं जिनमें नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो प्रोवाइड कराता है। आपको पता है जो पल्सेज होती हैं, दाल्स होती हैं, वो बेसिकली रिच इन प्रोटीन होती हैं, तो दीज आर ऑल्सो लेग्यूमिनस प्लांट। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइट या सैप्रोट्रॉपिक होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए। सो दीज आर कॉल्ड द हेटरोट्रॉप्स। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। नाउ हम चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म्स नीड टू टेक फूड, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनको फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। आपको पता है, कई बार पढ़ चुके हैं आप लोग, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉप, पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पैरासाइट होते हैं वो बेसिकली दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनसे फूड लेते हैं, और जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनसे ये अपना फूड लेते हैं दीज आर कॉल्ड द होस्ट्स, और इनको हम पैरासाइट बोलते हैं। सैप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो बेसिकली डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी उनसे अपना फूड लेते हैं। पैरासाइट का एग्जांपल है कस्क्यूटा, अमरबेल
और सेप्रोट्रॉप्स का एग्जांपल है मशरूम्स। ये इनकी पिक्चर्स दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। हाँ, अब थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। ये सिक्स क्लास में आपने किया होगा। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं कि लीव्स में जो स्टार्च की प्रेजेंस का हम टेस्ट कैसे करते हैं। एक हम प्लांट लेते हैं, उसको 2-3 दिन के लिए हम डार्क में रख देते हैं। उसके बाद उस प्लांट को निकालते हैं, उसमें से एक लीफ को सिलेक्ट करते हैं और उस लीफ के एक पार्ट को, जैसे यहाँ पर ये ब्लैक स्ट्रिप से कवर किया हुआ है, एक पार्ट को ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर देते हैं। उसके बाद फिर इसको 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रखते हैं। उसके बाद इसमें से एक प्लांट, एक जो जिस लीफ को हमने कवर किया था उसको तोड़ते हैं और उसको बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए रखते हैं। उसके बाद उसको एल्कोहल में डिप करते हैं और उसको वाटर बाथ कराते हैं, मतलब उसके बाद उसको पानी से धोते हैं। उसके बाद डायल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ मिनट के लिए डालते हैं और उसके बाद जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो पोर्शन कवर था वो पोर्शन लाइट होता है और जो बाकी का पोर्शन है वो बेसिकली ब्लू हो जाता है, डार्क ब्लू हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो डार्क ब्लू वाला पोर्शन है यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। यानी ग्रीन प्लांट्स में जो फूड है वो सिंथेसिस कैसे होता है, यानी कि वो किस तरीके से फूड बनता है। तो आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस से बनता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से बनता है। सनलाइट को कौन ट्रैप करता है, जो लीव्स होती हैं उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और जो वाटर है वो हमारा रूट से आता है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस से ये अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमने पढ़ा है, आप चैप्टर में ही पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, कि सभी को जो फूड मिलता है वो प्लांट से ही मिलता है। आप इन तीनों फिगर्स में देख सकते हैं, यहाँ भी जो फूड है वो प्लांट से ही मिल रहा है, यहाँ भी सबको फूड जो है वो प्लांट से मिल रहा है और यहाँ पर भी सबको फूड प्लांट से मिल रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज ए स्टार्च। जो प्लांट, जो ग्रीन प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जो सोलर एनर्जी है उसको कौन कैप्चर करता है, क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में वो क्लोरोफिल, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेम लिखना है इनका, अ पैरासाइट प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टॉन्ग, दिस इज कस्क्यूटा अमरबेल। एक प्लांट जो ऑटोट्रॉफिक भी है, हिटोट्रॉफिक भी है। तो हमने बताया था आपको पिचर प्लांट जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है या वीनस फ्लाईट्रैप, एक और इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, ये हिटोट्रॉफिक भी होता है और ऑटोट्रॉफिक भी होता है। जो पोर्स लीव में प्रेजेंट होते हैं, जो छेद होते हैं जिनसे कि गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, दिस इज कॉल्ड द स्टोमेटा। करेक्ट आंसर को टिक करना है। अमरबेल इज एग्जांपल ऑफ पैरासाइट एंड एक प्लांट जो ट्रैप और फीड करता है इंसेक्ट को, दीज आर कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फिशर प्लांट। मैच द फॉलोइंग, क्लोरोफिल जो होता है वो लीफ में होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो बैक्टीरिया से मिलता है, जो राइबोजियम बैक्टीरिया है, अमरबेल जो है वो पैरासाइट है, एनिमल्स होते हैं वो हीटोट्रॉफ्स होते हैं, और जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को खाने वाला प्लांट कौन सा होता है, फिशर प्लांट। ट्रू फॉल्स लिखने, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज नहीं की जाती है, ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। सो इट इज फॉल्स, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स। नो, दीज आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। जो फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टार्च बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन नहीं बनता है, तो ये ट्रू है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये ट्रू है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑब्वियसली स्टोमेटा है। एंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर, बेसिकली फ्रॉम लीव्स, रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव्स। तो आपका आंसर है लीव्स। तो इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। अभी सारे आपको कॉपी में अपनी नोटबुक में कर लेने हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर कर दूंगा। आई थिंक आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।